दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ की और उसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली गई। कल देर शाम जैसे ही खबर आई तो यूपी में भी मानो सियासी पारा चढ़ गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को घेर रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि भाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मामलों में फंसा रही है, लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो अखिलेश यादव का आरोप है कि 2024 के लिए बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है और विपक्ष को टारगेट कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के साथ सपा इस मामले पर भी बीजेपी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि समाजवादी पार्टी दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। सरकारी संपत्तियों को बेचने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को जबरन गिरफ्तार करवा रही है भाजपा। लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है दमनकारी भाजपा सरकार। तो मैं अखिलेश यादव, सपा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। खुलकर आपको सपा का समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की यूपी इकाई ने भी पूरे यूपी में आज हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। संजय सिंह ने कल ट्वीट पर इस आंदोलन की जानकारी दी। संजय लिखते हैं, साथियों जय हिंद, जंग का ऐलान हो चुका है। कल यूपी के सभी जिलों में मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन होगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिन में 2 बजे प्रदर्शन होगा। लड़ेंगे जीतेंगे, #मोदी फियर्स केजरीवाल। तो संजय कह रहे हैं कि लड़ेंगे जीतेंगे और #हैशटैग चल रहा है मोदी फियर्स केजरीवाल। अब सवाल यह है कि क्या सपा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्दे पर रहेगी, या वो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेगी भी। और जिस तरह से सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सपा एक्टिव हुई है, क्या वो भविष्य की सियासत का कोई बड़ा संकेत भी हो सकता है, या फिर महज बीजेपी को घेरने का एक मौका भर। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वैसे आपको बताते चलें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में पिछले काफी वक्त से परेशान चल रहे थे। रविवार को इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच में वो शामिल हुए। वो सुबह करीब 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। जांच में शामिल होने से पहले सिसोदिया ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।